तो देखिए इस वक्त तस्वीरों में पटना के ज्ञान भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी पुलिस प्रशासन या फिर एस्कॉर्ट उनका है वो यहाँ पर तैनात है और एस्कॉर्ट निकलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्ञान भवन से अब वो राजभवन के लिए जाएंगे और वहाँ पर दोपहर का खाना खाकर आप साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से उनका काफिला निकल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची हैं और जिसके बाद अब उनका कार्यक्रम पटना के हरमंदिर गली के गुरुद्वारे में हो रहा है। ऐसे में काफिला जिस तरीके से निकल रहा है तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, किस तरीके से वो निकलते हुए नजर आ रही है। पटना के ज्ञान भवन से उनका काफिला निकल गया है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद हैं और उनका काफिला फिलहाल राजभवन की ओर बढ़ता हुआ है, जहां से राजभवन में वो थोड़ी देर आराम करेंगी जिसके बाद वो गुरुद्वारे के लिए निकलेंगी। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद वो फिर से राजभवन जाएंगी जिसके बाद कल उनका कार्यक्रम है और ऐसे में चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा हुआ है। राष्ट्रपति पटना पहुंची है, पटना के लिए बेहद खास दिन है। जिस तरीके से कृषि रोड मैप जो चौथा है उसका आज उद्घाटन किया गया और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर किसानों की तो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे थे। किसानों की दशा और दिशा इस कृषि रोड मैप के उद्घाटन में तय की जाएगी। ऐसे में काफिला देख रहे हैं आप कि निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार चाक चौबंद जो सुरक्षा के किए गए हैं पूरे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन और पुलिस के जवान तैनात हैं और ऐसे में आप साफ तौर से तस्वीरें देख रहे हैं कि पटना की धरती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है। और यहां से साफ तस्वीरें हैं जहां से पटना के ज्ञान भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकलती हुई नजर आई और यहां से अब कृषि रोड मैप का उद्घाटन हो चुका है, चौथा कृषि रोड मैप। और ऐसे में देखिए सीएम का काफिला निकलते हुए सीएम निकल रहे हैं और सीएम अब अपने आवास के लिए प्रस्थान करते हुए यहां से नज़र आ रहे हैं और उनका काफिला जो है, उनकी गाड़ी जो है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। उनके साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल हुए थे। और ऐसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी काफिला आप साफ तौर से देख सकते हैं कि निकलता हुआ नजर आ रहा है, डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और भी बिहार सरकार के मंत्री गाड़ियों पर में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जैसे ही निकला इसके बाद ठीक सीएम का काफिला निकला है और उसके बाद डिप्टी सीएम भी निकले हैं। तो कृषि रोड मैप, चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो है वो आज कर लिया गया है और ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। और ऐसे में अब किसानों की दशा और दिशा पर भी बात हुई है, कई संख्या में बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं किसान और ऐसे में आज उनका काफिला किस तरीके से निकलता हुआ नजर आया। एयरपोर्ट जब वो पहुंची 11:25 में वो एयरपोर्ट पहुंची थी जिसके ठीक बाद ज्ञान भवन आई और ज्ञान भवन में कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने के बाद अब वो राजभवन के लिए प्रस्थान कर चुकी है और कुछ ही देर में विश्राम करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना के हरमंदिर गली साहब यानी कि गुरुद्वारे जाएंगी और मत्था टेकेंगी और इसके बाद दो दिवसीय उनका कार्यक्रम है जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर राष्ट्रपति खुद ज्ञान भवन से निकल रही थी और राष्ट्रपति निकली तो हाथ हिलाते हुए क्योंकि लोग भी थे यहां पर। आप देख सकते हैं कि लोगों की भी हम भीड़ आपको दिखा देते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं तो लोगों का अभिनंदन स्वीकार करती हुई खुद भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रही थी
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने खुद भारत की राष्ट्रपति यहां पर पहुंची थी और उन्हें देखने के लिए लोगों की भी भीड़ जुटी हुई नजर आ रही थी। तो दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति यहां पहुंची हैं और तस्वीरें हमने आपको दिखाई पटना के ज्ञान भवन से निकलते हुए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।